और बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के समापन सत्र को गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया और नेताओं और कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव के महासमर को फतह करने के लिए जीत के मंत्र दिए। दो दिनों तक चली इस मैराथन बैठक पर देखिए हमारे सहयोगी राजेश राज की ये विशेष रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए बुलाई गई भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने 2024 के किले को फतह करने का लक्ष्य रखा। गृह मंत्री ने शनिवार को पार्टी के नेताओं और तमाम पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए यह कहा कि 2024 की जीत ऐसी होनी चाहिए कि विपक्ष को दो बार सोचना पड़े। इससे पहले शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10% वोट बढ़ाने की अपील की थी, लक्ष्य रखा था, जिसे कार्यकर्ताओं और नेताओं ने आत्मसात करने की कोशिश की। बैठक में तीन राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मिली ताबड़तोड़ जीत के लिए तीनों प्रदेश अध्यक्षों का सम्मान किया गया और उनके संस्मरण भी साझा किए गए। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उत्साह से लवरेज होकर बैठक में शामिल हो रहे हैं और उन्हें यह मूल मंत्र दिया जा रहा है कि कैसे बूथ से लेकर यूथ तक और महिला से लेकर गरीब और किसान को कैसे सत्ता की मुख्य धारा से पार्टी ने जोड़ने का काम किया, इसे ग्राउंड जीरो तक ले जाकर इन तमाम लोगों को संदेश देने की कोशिश की जाए। कैमरामैन भीम सिंह के साथ बीजेपी दफ्तर नई दिल्ली से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए।